साथियों, इस देश के अंदर जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस मानव जाति के लिए जो किया है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। एवं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप नारे लगाएं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मातृशक्ति कुछ बोल नहीं पा रही है। मेरा ये कार्यक्रम जो है वो आपके लिए है और मैं आपके बारे में ही ज्यादातर बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, इस देश के अंदर मातृशक्ति को 50% अधिकार अभी तक नहीं मिले। 50% मिला जी कि नहीं मिला जी? अगर पुरुषों को अगर अधिकार मिलते हैं तो आपको ही मिला जी पूरे के पूरे, ठीक है नहीं? लेकिन अभी नहीं मिले। अभी लोकसभा में अभी पता करें आप तो मुझे लगता है कि 25% भी महिला नहीं पहुंची है। मतलब अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो अभी सही से लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो साथियों, जैसा कि हमारी बहन बता रही थी कि हमें पाखंड नहीं करना है, जैसा कि हमारी बहन ने भी बताया है कि पाखंड नहीं करना है, हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है, महापुरुषों को अनुसरण भी करना है। लेकिन साथियों, ये सब चीजें हम लोग भाषणबाजी करके चले जाते हैं, मैं भी खुद कह रहा हूं, लेकिन सत्य बात यह है कि आज मंच में हमारे सर्व समाज के लोग बैठे हैं, यहाँ ओबीसी भी बैठे हैं, सवर्णी बैठे, सब लोग बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक कार्यक्रम हुआ था अभी भोपाल में करणी सेना का, वहां पर उनका मुद्दा था कि एससी और एसटी एक्ट को खत्म किया जाए। आप बताइए, आपके उनके इस एमेंडमेंट में सहमत है क्या? बताइए, सभी बताइए जो एससी एसटी एक्ट को खत्म करने गए थे, कौन थे बताए ना? थोड़ा पानी बोलो, क्योंकि ये लोग पूरे देश के अंदर ये फैला रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट जो है सिर्फ उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना? यही कह रहा है उनका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, पूरे देश के अंदर जब हमारे एससी एसटी के साथ 100 बार प्रताड़ना होती है तब 10 केस लिखे जाते हैं इस देश के अंदर, 10 केस। बताइए क्या बोल रहा हूं क्या? वो क्यों ऐसा क्यों होता है कि 10 केस लिखे जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश के अंदर भले ही 50% ओबीसी एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, लेकिन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी नौकरी में 76.9% सिर्फ सवर्ण बैठा हुआ है, सवर्ण समाज। मैं सवर्ण समाज की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर सवर्ण समाज ओबीसी एसटी एक्ट का विरोध क्यों कर रहा है और ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहा है, समझने की बात है साथियों। इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका 99% मीडिया में कब्जा है। मीडिया में आपने देखा होगा, कभी आपने लोधी कभी नहीं सुना होगा कि लोधी कोई डिबेट कर रहा है, कभी आपने अहमार नहीं सुना होगा, इक्का दुक्का सुना होगा। साथियों, गलत मत समझना, सुन लेना, इसके बाद आपको कहते रहना। इस देश के अंदर मीडिया में कभी धाकड़ नाम नहीं सुना होगा आपने, कभी साहू नाम नहीं सुना होगा, कभी बाथम नहीं सुना होगा, कहीं अहरार अहरवाल नहीं सुना होगा, कभी वाल्मीकि नहीं सुना होगा। 70 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन इसके बाद भी हमारे लोगों को मीडिया में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया में रखा जाएगा तो वो वहां से जय भीम बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और जय भीम बोलेगा तो संविधान की बात करेगा, और संविधान की बात करेगा तो तथागत गौतम से लेके गौतम बुद्ध साहू जी महाराज से लेके ज्योतिबा फुले सावित्री फुले से लेके फातिमा शेख की बात भी करेगा, शिक्षा और रोजगार की बात भी करेगा। लेकिन मीडिया में
आके इस देश के लिए भी नहीं होता है जमा करने वाले वही समय लोग हैं जिन्होंने इस देश